दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी नाताळ सण साजरा करण्यात येतो. या सणाला फार महत्व देतात. जीजस ईश्वराचा पुत्र असल्याची श्रद्धा. नाताळ हा आनंद व हर्षोल्लासाचा सण आहे. या दिवशी गिरिजाघरात प्रार्थना कॅरॉल्सचे गायन करण्यात येते. शुभकामना कार्डचे देवाणघेवाण होते. ख्रिश्चन बांधव नाताळच्या अगोदरपासूनच प्रार्थना व कॅरॉल्सच्या गायनास सुरुवात करतात. संपूर्ण जगभरात गिरिजाघरांमध्ये येशूच्या जन्मगाथा चाक्यांच्या रूपात प्रदर्शित केल्या जातात. 24 डिसेंबर रोजी रात्रीपासूनच आरती व पूजा पाठात सुरुवात होते. दुसरा दिवस सकाळी जन्मदिवस सोहळा. ख्रिश्चन बांधव दुसऱ्याची गळा भेट घेऊन शुभेच्छा आदान प्रदान करतात. गिरिजाघरांमध्ये मंगल कामनेचे प्रतीक म्हणून ख्रिश्चन ट्रीज सजावट केली जाते. आज नाताळाच्या धार्मिकतेसोबतच सामाजिक महत्वही प्राप्त झाले आहे. त्याच अनुषंगाने नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी नांदेडमधील मॅथोलिक चर्चमध्ये प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले. सेमियन केलम, मायकल जगदाळे यांच्यासह अनेक अनुयायांनी परिश्रम घेतले. या प्रार्थना सभेला शहरातील असंख्य अनुयायी उपस्थित होते. प्रेज द लॉर्ड. आज 25 डिसेंबर आज हमारे उद्धारकर्ता ईसा मसीह का जन्मदिन है. इस खुशी के मौके पर आज इस पवित्र स्थल पर आते हैं और उसको नवाजते हैं और प्रार्थना और उसका आनंद लेते हैं. आज जो हमारा ईसा मसीह जो पैदा हुआ पूरे जगत के लिए सुख और शांति का संदेश देता है. जो कि वो कहता है कि सब लोग कहते हैं कि अपनों से प्यार करो, लेकिन मेरा मसीह कहता है कि दुश्मन से भी प्यार करो. जो एक ऐसा एक में मेरा परमेश्वर है जो कि दुश्मन से प्यार करना सिखाता है. इस प्यार की वजह से उसकी सिक्वन की वजह से हम आज इस धरती पर शांति और समाधान से रहते हैं. चर्च में क्या क्या प्रोग्राम है? आज चर्च में आज प्रार्थना सभा होगी. हमारे आदरणीय डीएस उसके सैमुएल केनर सर आज क्रिस्त जन्म के ऊपर आज संदेश देंगे. वो पवित्र संदेश हम इन लोगों के लिए जो कि आज ईसा मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए बलिदान क्यों किया, इस बारे का जो संदेश है वो हमारे केनर सर आज देंगे. आज के इस खुशी के मौके पर हम मेथोडिस्ट चर्च की नांदेड़ की ओर से सब जनता को, पूरे नांदेड़ शहर को और दुनिया को खुशी की जन्म के क्रिसमस की हार्दिक शुभकामना देते हैं और आने वाले नए साल की भी शुभकामना देते हैं. थैंक यू सर.